राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से गुजरने वाली नेशनल 11वीं हाईवे रोड, यह रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आइए देखते हैं इस हाईवे रोड की वजह से वहाँ रहने वाले समाज के लोगों में किस तरह का भय पैदा हो गया है। विगत 4 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और इतने एक्सीडेंट यहाँ होते हैं छोटे मोटे के, महीने में 30-40 एक्सीडेंट का एवरेज यहाँ पर आता है। किसी और की बात मत करो, मैं खुद ही चाहे चाहे मेरा फोर व्हील चला रहा हूँ या मैं 2-व्हीलर हो पे हूँ या 3-व्हीलर पे, मुझे डर लगता है। कैसा डर लगता है? डर लगता है सामने से जो गाड़ी आती है वो प्रेशर में आती है, ओ इस साइड गाड़ी उस साइड गाड़ी। भाई इधर से भी ढलाना है और उधर से भी ढलाना है, और मेन बात यह है कि वो मोड़ है तो वो उस मोड़ पे तो कुछ दिखता नहीं, इधर के साधन वाले को उधर वाला नहीं दिखता है, उधर वाले को इधर नहीं दिखता है, इधर से साधन ऑटोमेटिक मतलब हाई स्पीड पकड़ जाता है और तेज़ी से जाता है, इस जगह पे बहुत तेज़ी से जाता है, उधर से भी तेज़ी से आता है, तो इस टर्न पे मतलब ये दुर्घटना बार बार ये इसी कारण होती है। नॉर्मल 20 अरे वे तो 28-29 आदमी ख़त्म हो गए 6 महीने के अंदर। पिछले 6 महीने की होने वाली मौतों के बाद भी प्रशासन आज तक हरकत में नहीं आया है। ऐसी रोड़ों को चौड़ा कराया जाए व इन पर डिवाइडर बनाया जाए जिससे दुर्घटना होने पर अंकुश लग सके, वह समाज के लोगों में जो भय पैदा हो रहा है उस भय पर रोक लग सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।